खाया नहीं देते? कितने दिन हो गए खाना नहीं खाए थे? 4-5 दिन हो गए। तो 4-5 दिन से खाना नहीं मिल रहा था तुमको? नहीं। किसने ख्याल नहीं रखा था? किसने नहीं। भैया तुम्हारे खाना कितने दिन से नहीं मिल रहा था? 5 दिन हो गए। 4-5 दिन होगा खाने नहीं। एक टाइम मिल रही के खाना बांट रहे थे, हम खा रहे दे रहे, कुछ भी नहीं। हमको जैसे कर्फ्यू लग गई उस दिन से हमारा धंधा, वो क्या घास भी नहीं बेचन दे रहे, हमको कुछ भी नहीं करन दे रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शीला। यही बोलेंगे कि हमारी जो रोज मजदूरी बंद है, हम क्या खाएंगे अब? यही रिक्वेस्ट है इतनी हमारी, हमको अनाज पानी दो हमको। हम छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे रोड पे रह रहे, अब हमारे बीमारी नहीं देख रही, ये नहीं देख रहे, अब खाएंगे नहीं तो जगेंगे कैसे हम? कितने दिन हो गए खाना नहीं खाए थे? 4-5 दिन हो गए। तो 4-5 दिन से खाना नहीं मिल रहा था तुमको? नहीं। किसने ख्याल नहीं रखा था? किसने नहीं। भैया तुम्हारे खाना कितने दिन से नहीं मिल रहा था? 5 दिन होगा। 4-5 दिन होगा खाने नहीं। एक टाइम मिला, कभी नहीं मिला, बस नहीं मिल रहा खाना। तो इनकी शक्ल देखो आप, ये लोग कई दिनों से भूखे हैं, और ये मुख्य बहरे लोग हैं, इनके पास कमाने के कोई साधन नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप ये लोगों को देख सकते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का कैसा गुजारा करेंगे, 21 दिन तक ये इनका कैसा चलाएंगे। तो सकते हो आप के किस तरह से, ये देखिए आप यपंग है यहाँ पे, इनको खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, ये कैसा करेंगे कि सरकार ने इनके लिए, ये जो बच्चे है ये अकोला फतेह चौक के बच्चे यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये बच्चे, इनको नहीं लाके दे तो सरकार को, सरकार क्या इंतजाम किया तुम्हारे लिए कुछ पता? क्या पगार कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कंट्रोल नहीं, पगार नहीं। ये गरीब लोग इस झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब लोग यहाँ पे अपनी मेहनत करते हैं, ये जब मेहनत करते हैं तो ही इनकी ज़िंदगी का जीवन चलता है, नहीं तो ये लोगों को भूखे रहना पड़ता है। अब अकोला के जो लोग हैं वो इनके यहाँ पे खरीदी लॉकडाउन होने की वजह से कोई करने के लिए नहीं आ रहा, इनके पास में जो सामान बैट वगैरह बॉल वगैरह बना के ये लोग बेचते हैं, बैट बॉल वगैरह की दुकान इनकी नहीं चल रही है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इनका क्या हाल होगा। मौसी तुम्हारे काम धंधे कैसे चल रहे अभी? कुछ भी नहीं बा, नहीं बापू कुछ भी नहीं। फिर तुम्हारा खाने का कैसा? ये ऐसे देते तुम बाटी, कोई भी लाके देता हम खा लेते, क्या करना। तुम्हारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होंगे? है बच्चे, छोटी बच्ची है, दूसरा बच्चा है बेटा। तो सरकार ने कोई योजना वगैरह तुम्हारे लिए कुछ की नहीं क्या? कुछ नहीं करा बेटा, कुछ नहीं करा, हम भूखे मरते बा, क्या करेंगे बेटा। ये देखिए यहाँ पे एक महिला है, ये महिला इनके यहाँ पे बैट बॉल बनते है। ये अकोला वसंत देसाई स्टेडियम के सामने का नजारा आप देख रहे हैं, ये लोगों की, गरीबों की घर है, गरीबों की झोपड़ियां है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके हाथ में, आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को अभी सरकार की तरफ से कोई योजना मिली नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी। हमारे बच्चे हम कैसा पेट भरेंगे हमारे बच्चों का? बोलो, उसमें क्या बोलना? सरकार ने हमारे लिए करा है क्या? हम करेंगे क्या बच्चों को लेके? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अभी 21 दिन तक बंद रहेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, भूखे मरना है। चाय भी नहीं मिल रहा है, चाय भी नहीं खा रहे बच्चे हम, और कैसे भी हमारा गुजारे। तुम सरी के खाना बांट रहे थे, हम खा रहे दे रहे, कुछ भी नहीं। हमको जैसे कर्फ्यू लग गई उस दिन से हमारा धंधा, वो क्या घास भी नहीं बेचन दे रहे, हमको कुछ भी नहीं करन दे रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शीला है। अकोला के फतेह चौक के बच्चे, इन्होंने आपको खाना लाके दिए, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? आप इनको क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, अब हम दुआ देना चाहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये गरीबों के घर है, यहाँ पे गरीबों के घर पे कई दिनों से यहाँ पे जो लॉकडाउन होने की वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी सहूलत की चीज़ें नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि इनके धंधे जो बैट बॉल वगैरह ये बना के बेचते हैं वो बंद है पूरी तरह से, ये अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फतेह चौक के नौजवान बच्चे अकोला के, इन्होंने खाना लाके बांटा है, आप ये बच्चों को देख सकते हैं, इनकी बल्कि बच्चे ये आज, इनको दुनिया को इनसे सीखना चाहिए कि ये बच्चों ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, सरकार को सीखना चाहिए कि सरकार का फ़र्ज़ ये बच्चे निभा रहे हैं, और ये बच्चे लोगों को मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान, मैं अकोट फाइल लक्ष्मी कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ, आपके फतेह चौक के जवान हैं बच्चों ने, हमारे फतेह चौक की बैत बिरादरी वालों ने खाना बांटे हुए यहाँ पे, अमान खा भाई भंगार वालों की तरफ से आज थोड़ा बहुत खाना बांटे गया है। आपसे भी विनंती है कि आप लोग भी गरीब लोगों का ध्यान रखें, दिन में से एक टाइम क्यों नहीं होता, आप उनके लिए कुछ ना कुछ करिए, मैं अकोले वासियों से विनंती करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ बैतपुरा से लाके खाना बांट रहे हैं अकोला के बैतपुरा एरिया से, और इनके गरीब लोगों का ख्याल रख रहे हैं, पूरे अकोला शहर में घूमने वाले मंगने वाले रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मेन हॉस्पिटल सब जगह के लोगों को ये खाना बांट रहे हैं। यही बोलेंगे कि हमारी जो रोज मजदूरी बंद है, हम क्या खाएंगे अब? यही रिक्वेस्ट है इतनी हमारी, हमको अनाज पानी दो हमको। हम छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे रोड पे रह रहे, अब हमारे बीमारी नहीं देख रही, ये नहीं देख रहे, अब खाएंगे नहीं तो जगेंगे कैसे हम? काम चल रहा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है, काम सब बंद है ना।
के साथ में इसी तरह से पूरे अकोला का हाल हम आपको बताते रहेंगे, किस तरह से लोगों की दिनचर्या चल रही है, क्या चालू है, क्या शुरू है, क्या बंद है। इरशाद अहमद के साथ में मैं मोइन रंगरेज, रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।